मैं कहता हूं कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और अगर हम 1 10 से 1 माने तो रामलीला मैदान तीसरा चौथा होना चाहिए, तीसरा या चौथा होना चाहिए, क्योंकि उल्टी गिनती तो तभी शुरू हो गई थी जब ये पता चल गया था कि ये जो सरकार है वो अपनी तानाशाही नहीं छोड़ेगी, और ये लगभग लोगों ने मान लिया कि इनको हराना देश हित में जरूरी है। और तब जब विपक्ष एकजुट होने लगा तो उल्टी गिनती तो तभी शुरू हुई थी, और एनडीए माने वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कहिए, और फिर नीतीश कुमार को दल बदल करवाने के लिए, अपनी तरफ लेने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने जैसी कार्रवाई हुई। तो मतलब मुझे लगता है कि एकदम खुला था कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष को क्या करना है। विपक्ष बेहद मजबूरी में, और जाहिर है जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं वो लोग तभी एकजुट होते हैं जब मजबूरी होती है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने विपक्ष को मजबूर कर दिया था कि वो एक साथ होकर लड़े, और उल्टी गिनती तभी से शुरू हुई थी। तो पहला तो वही था कि जब इंडिया गठबंधन बन गया, और बाकी उसके नाम के और नाम को इंडिया गठबंधन, और इससे जो परेशानी हुई उसके बाद भारत कहने लगे, इंडिया को ही भारत बना दिया वगैरह वगैरह, उससे इनकी तानाशाही प्रवृत्ति पूरी तरह उजागर होती गई, जो विपक्ष को एकजुट होने में और मदद कर दी गई। और इस तरह से, और जो इनकी चालें थी, जो इनकी कार्यशैली थी, उसमें अंततः जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो बिल्कुल साफ हो गया। और लेकिन मुझे लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई इनके हाथ में था नहीं, ये टाल नहीं सकते थे। जो इन्होंने बिसात बिछाए थे उसमें वो होना ही था, और जो बिसात बिछी हुई है उसमें उनको जमानत भी नहीं मिलनी थी। मुझे लगता है कि अगर जमानत गिरफ्तारी हो जाती, जमानत मिल जाती, तो बीजेपी की स्थिति जरा कहने संभलने लायक हो जाती कि हाँ भाई हम तो कार्रवाई कर रहे थे। जैसे आज ही जी मैंने, कल नरेंद्र मोदी का भाषण था आज के अखबारों में छपा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, डरेंगे नहीं, और कुछ भी कर लेंगे, लोग रुकेंगे नहीं वगैरह वगैरह। तो माने अब लग रहा है कि नरेंद्र मोदी का मुद्दा यही है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को अपना पॉइंट बनाना चाहते हैं, उसके आधार पर वोट चाहते हैं। तो उस हिसाब से अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में ये कहा जाता कि भाई हमने तो कार्रवाई की थी, कोर्ट ने छोड़ दिया, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम तो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने वो बिल्कुल नहीं, ऐसा टिकता थोड़ी नहीं हो है, वो सकता है। संजय जी रुकना बिल्कुल वो चाहूंगा, टिकता संजय जी, कोर्ट ने छोड़ा तो हम क्या कर सकते हैं, ये पीएम रहे या राष्ट्रपति रहे वो नहीं कह सकते, क्योंकि वो पाक नहीं, साफ होके निकला है। इसीलिए कह नहीं उसके सकते, बाद मैं तो कह नहीं चेहरा और सकता, सिर और नीचे हो जाएगा जिनको बिल्कुल मैं वही भ्रष्टाचार कह के रहा हूं कि आरोपी कह कह रहे हैं। कोर्ट से वो बरी हो रहा है, बिना बेदाग बरी हो रहा है। इसका मतलब मैं है कि आ रहा हूं, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ आदमी झूठ बोल रहा था, ये कहेंगे बिल्कुल, हम। तो जी मैं उसी पे आ जी रहा हूं कि प्रधानमंत्री बोले या न बोले उनकी तरफ से ये कहा जाता है, और जो पूरा बीजेपी का प्रचार तंत्र है वो इस तरह से प्रचार करता है। जैसे संजय सिंह के बेल में बहुत क्लियर था कि ईडी को कहा गया कि आप अपना पक्ष रखिए, और नहीं तो हम अगर मान लेंगे कि ये प्रूफ नहीं है या सबूत नहीं है तो आपको बाकी मामलों में दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि आज संजय सिंह के बेल में संजय सिंह को जमानत मिली, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उनका पीएमएलए का केस पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ बीजेपी गवर्नमेंट का, वो ज्यादा बड़ी बात है। अगर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता तो वैसे ऑर्डर कर सकता था कि भाई इसमें कुछ नहीं है, तो बाकी लोगों को भी बड़ी आसानी से जमानत मिल जाती, और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी हम लोग अभी चिंता कर रहे हैं, वो स्पष्ट होता कि मिल ही जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ख्याल रखा है, और मुझे लगता है कि वो सही भी है कि अगर वाकई मामला है तो उसकी जांच होनी ही चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बचा करके फैसला दिया है, और उसमें खास बात यही है। लेकिन जैसा बीजेपी का प्रचार तंत्र है कि उनको जमानत मिल गई, और आज ये कह रहा है, आज टेलीविजन पे ये सब चल रहा था, मैं टेलीविजन नहीं देखता हूं लेकिन आज मुझे देखना पड़ा इसीलिए कि टेलीविजन पे क्या चल रहा है, कि वहां ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह को जमानत मिली है और उनको वो बरी नहीं हुए हैं और मामला चल रहा है। लेकिन जमानत मिलने का ही मतलब है कि पीएमएलए का केस जो है वो नहीं है, और पीएमएलए का नहीं है तो बाकी तो कुछ साबित ही नहीं होता है, और वो जेल में जी इसलिए थे कि पीएमएलए का केस है। तो जो समझता है वो समझ रहा है, लेकिन बीजेपी का प्रचार तंत्र जो प्रचारित करता है, इंक्लूडिंग मीडिया, वो सब जो कर रहे थे अब वो भी नहीं चल रहा है, और पूरी बात सामने आ जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बुरी स्थिति में सरकार खुद ही फंस गई है अपनी तरह से। और जो झूठ बोलते हैं और जो झूठ प्रचारित किया जाता है, गलत तर्क दिए जाते हैं, कुतर्क किए जाते हैं, उस सब का तो जवाब आ ही रहा है, और उसमें सबसे बढ़िया वो ध्रुव राठी की गाड़ी में का वीडियो है जो सब लोग देख करके समझ जाएंगे। तो मुझे लगता है जी कि वो भी बहुत बड़ी बात है,
जो इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था वो समझाने की वो एक उदाहरण पर्याप्त है। तो इस तरह से बहुत खराब स्थिति है, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी ने चाल चाल बिसात बिछाए थे, जो चालें चली थी, उसका यही हश्र होना था। इसमें कुछ विशेष बात मुझे नजर नहीं आती है, ये होना ही था ऐसा मुझे जी लगता है। बिल्कुल देखते हैं। कल आपने कहा था और आज खबर है अखबारों में कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें मुख्य बात यह है कि उनको धमकी दी गई है कि आप अपना राजनीतिक कैरियर बचाना चाहते हैं तो बीजेपी में शामिल हो जाइए। तो बड़ा मामला है, और लेकिन अखबारों में वैसे नहीं छपा है, बल्कि अखबारों में खबर ये छपी है कि आतिशी अपना सबूत दे, नहीं तो हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे वगैरह। तो जाहिर है आम आदमी पार्टी को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद तोड़ने की, कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, और ये लोग जो सोच रहे थे कि गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, वो नहीं हुआ। तो जाहिर है इन लोगों को ये सब ऑफर ऑफर करना पड़ा और डराना पड़ा वगैरह वगैरह। जी सच नहीं होने का कोई कारण नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोई ऐसे ही बोलेगा इस तरह की बात। फिर भी जो भी हो, ये कहा आरोप तो है ही है, और आज ही इंडियन एक्सप्रेस की खबर है तो उससे साबित भी हो जाता है कि ऐसा है, ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। तो इस लिहाज से संजय सिंह का आज छूटना बहुत बड़ी बात है, मतलब कल उनको जमानत हो गई थी, आज छूटना बहुत बड़ी बात है। और जिस ढंग से ये लोग आपको आम आदमी पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी उसके सभी लोगों को, अब अगर जी इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद आतिशी और सौरभ को भी कर लिया जाता तो क्या बचता। तो उसमें अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद एक तो मुझे लगता है कि उनकी हिम्मत नहीं होगी कि दोनों को गिरफ्तार करें, दूसरा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो अरविंद केजरीवाल को भी जमानत हो जाएगी इससे, और तीसरे ये नई गिरफ्तारियां नहीं होंगी और संजय सिंह संभाल सकते हैं बाहर रह करके। ये सारी बातें हैं, और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफी बड़ा झटका है, और जाहिर है बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि जमानत तो किसी की कभी भी हो ही सकती है, ये तो कोई गारंटी नहीं कर सकता है कि जमानत पे नहीं छूटेगा कोई, तो इनको तैयार रहना चाहिए था। लेकिन जो इनकी रणनीति है उसमें हम जानते हैं कि इनकी क्या तैयारी होगी और कैसे ये अभी चारों खाने चित होने वाले, तो वो देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसमें मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। सही सही कह रहे हैं आप, और लगातार लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और आप जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। 6 महीने जेल में रहे और अक्टूबर महीने से लेकर अभी तक, और कल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली, और बेल को न सिर्फ याचिका मंजूर की बल्कि बेल ऑर्डर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। और उसके बाद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिंह, और चर्चा आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद सीधे जयशंकर जी के पास आएंगे। सुनिए जरा।